दोस्तों अनंग हंसे हो। हम सभी जानते हैं कि BTS के मेंबर्स को आर्मी को सरप्राइज देना कितना ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा लगता है कि रिसेंटली जंगकुक को बहुत ही ज्यादा शौक है आर्मीज को नए नए सरप्राइजेस देने का। और फिर से जंगकुक को लेकर एक बहुत ही शॉकिंग बात रिवील हुई है, जिसको देखने के बाद आर्मीज बहुत ही ज्यादा सरप्राइज भी है। तो दोस्तों आखिर ऐसा क्या रिवील हुआ है ये जानने से पहले आप हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि BTS के सारे अमेजिंग अपडेट्स आप ही के पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों जैसा कि बहुत पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर करी थी और आपको बताया था कि कोरिया में कौन कौन से ऐसे कॉमन एप्स हैं जो चैटिंग के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेमस ऐप है काकाओ टॉक, जो BTS खुद भी यूज करते हैं और ये मोस्ट यूज्ड ऐप है साउथ कोरियंस के बीच में। इसके साथ साथ साउथ कोरियंस एक और ऐप को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जिसका नाम है लाइन। दोस्तों ये दो ऐप हैं जो साउथ कोरिया में हर किसी के फोन में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली आर्मीज को पता चला है कि हमारे BTS के मेंबर जंगकुक व्हाट्सएप भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ ये था कि जब जेहूक का बर्थडे था तो उन्होंने लास्ट में सभी मेंबर्स की विशेस को शेयर किया था, और जैसा कि आप सभी ने देखा होगा ट्विटर पर हर मेंबर ने स्पेशली जेहूक के लिए पोस्ट करा था, सिवाय जंगकुक की ऐसी कोई पोस्ट देखने को नहीं मिली थी। लेकिन हमारे जेहूक एक ऐसे मेंबर हैं जो आर्मी के साथ सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जंगकुक ने जब उन्हें विश किया था उसका स्क्रीनशॉट भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया। हालांकि दोस्तों खास बात ये थी कि बहुत ही सारे आर्मीज ने नोटिस करा कि जो स्क्रीनशॉट जेहूक ने शेयर किया था उसका जो दिखने का तरीका था वो बिल्कुल व्हाट्सएप के जैसा ही था, और ये काफी ज्यादा अटेंशन गेन करने लगा। हालांकि दोस्तों अपने मेंबर्स की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए जेहूक ने पूरे बैकग्राउंड को पूरी तरीके से ब्लर कर दिया था, लेकिन फिर भी काफी सारी आर्मीज ने इस बात को पहचान लिया कि जो स्क्रीनशॉट है वो पूरी तरह से व्हाट्सएप का ही है। दोस्तों यही नहीं बल्कि काफी सारे आर्मीज ने नोटिस करा कि जिस नाम से मैसेज आया था वहाँ पर जॉन जंगकुक लिखा हुआ था, यानी जेहूक ने ऑफ कोर्स जंगकुक का नाम उनके रियल नाम से ही सेव करा होगा, और इसी तरीके से जंगकुक ने अपनी आईडी व्हाट्सएप पे भी बनाई होगी। दोस्तों यही नहीं बल्कि जंगकुक के नाम के आगे 4 नंबर लिखा हुआ था, और काफी सारी आर्मीज का मानना है कि हो सकता है 4 नंबर का मतलब है कि जंगकुक के पास 4 नंबर हो और उन्होंने अपने 4th नंबर से जेहूक को व्हाट्सएप पे मैसेज किया होगा। दोस्तों यही नहीं बल्कि जेहूक ने बाकी का पूरा स्क्रीनशॉट भी डिलीट कर दिया था, जिसकी वजह से काफी सारे लोग इस बात का पता ना लगा पाए कि आखिर ये कौन सी चैट है और कहां की चैट है। क्योंकि दोस्तों BTS भी अच्छे से जानते हैं कि आर्मी से बड़ा जासूस यानी डिटेक्टिव कोई भी नहीं है, और अगर आदमी को हल्का सा हिंट मिले तो वो हर चीज ढूंढ सकती है। और सोचिए जब एक छोटे से मैसेज को देखकर आर्मी ने ये ढूंढ लिया कि BTS के मेंबर्स व्हाट्सएप यूज करते हैं, किस नाम से हैं, कितने नंबर्स हैं, तो अगर पूरा स्क्रीनशॉट शेयर हो जाता तो शायद आर्मी उनका नंबर भी ढूंढ ही लेती। तो दोस्तों इस वीडियो को सुनने के बाद आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर जरूर बताएं। इसके साथ साथ हमारे अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ जाइए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।